या खतरा खतरा का फिनाले था, वैसे लॉकअप का भी फिनाले हो गया, मुनावर जी जीत गए, तो उनके लिए आपका क्या? मैं मुनावर जी को पर्सनल तो नहीं जानती, लेकिन बहुत कुछ सुना है कि इस लॉकअप सीजन में उनकी जर्नी बहुत अच्छी रही है, बहुत सारी दिल की बातें उन्होंने की है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। कहते हैं ना कि जो एक कॉमेडियन होता है वो ऊपर से हंसाता है लेकिन अंदर से बहुत दुखी होता है, सो हमारा तो यही है, बिल्कुल डोंगरी का छोकरा छा गया भाई, जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना का, ये मतलब मुनावर ने एक मिसाल कायम कर दी है कि हाँ हम लोग जो हंसाते हैं हमें भी दुख होते हैं, हमें भी तकलीफ होती है, लेकिन लोगों ने उनको बहुत प्यार दिया है। मुनावर मेरे भाई ऑल द वेरी बेस्ट, मैं आपको जानती तो नहीं हूँ पर्सनली बट कभी ना कभी ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह। आप फर्स्टली मैम वेलकम, आप बहुत अच्छे लग रहे हो आज, क्या कहना चाहते हैं? पहले नहीं लगते भाई ये, पहले नहीं, आज बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू, ये पता नहीं ये मेरी तारीफ थी कि बेइज्जती थी कि आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, पहले तो ऐसे ही नहीं नहीं थैंक यू सो मच, आज मैं इसलिए ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ क्योंकि आज खतरा खतरा शो का ग्रैंड फिनाले है और आज अनन्या है, तेजा है, तेजा मतलब तेजस्वी है, और अपना करण कुंद्रा है, निकी है, प्रतीक है, राहुल है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, तो ग्रैंड फिनाले उनके साथ कर रहे हैं। थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है कि सीज़न ख़त्म हो रहा है, लेकिन अच्छा इसलिए लग रहा है कि कोई चीज़ जब ख़त्म होती है तो डबल अच्छी होकर आती है, तो सेकंड सीज़न में फुल बैंग ऑन आएंगे धमाल और मज़े के साथ। सो स्कूल से लड़की तो मैम इतने पूरे जर्नी में आप कौन सा एक मोमेंट है जो आपके साथ रखना चाहोगे, मतलब एक ऐसा होता है ना कि ये दिन था पूरे? मैं ये खतरा खतरा मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं जब प्रेग्नेंट हूँ मेरी प्रेगनेंसी के काफ़ी मोमेंट्स खतरा खतरा में थे, मुझे कुर्सी दी गई बैठने के लिए, पॉपकॉर्न जूस, अरे बैठ के गेम खिलवाओ, मतलब मैं रानी टाइप थी, तो मुझे लगता कि अगर इतने मज़े से पैसा कमाने मिलता तो अगले साल फिर से प्रेग्नेंट होंगी मैं जब अगला सीज़न आ जाएगा, लेकिन बहुत अच्छे से ख्याल रखा मेरा, और किसी ने ऐसा नहीं कहा कि आप प्रेग्नेंट हो तो काम पे क्यों आ रहे हो, और डबल ख्याल रखा गया मेरे शूज़ का, मेरे जूतों का, इनको बैठो पानी दो, बहुत अच्छे से बहुत रिस्पेक्ट मिलती है और मज़ा आ गया इस सीज़न का, माइंड ब्लोइंग और मतलब लास्ट सीज़न था ये। अच्छा मैम तेजा और करण भी आने वाले, तो उनके साथ क्या कुछ मस्ती, कितना एक्साइटेड हो? हाँ मुझे लोग पूछते हैं कि तेजा करण और अनन्या वाले क्या करने वाले हो, सच में मैं बताऊँ मुझे कुछ नहीं पता कि आज क्या होने वाला, ये हर्ष को पता है क्योंकि वो ही इस शो का क्रिएटिव है और प्रोड्यूसर भी, उसने कुछ नए गेम अच्छे अच्छे रखे हुए हैं, सो मैं भी बड़ी एक्साइटेड, मैं भी आप जैसी हूँ, जैसे आपको नहीं पता मुझे भी नहीं पता, तो अंदर जाके ही पता चलेगा क्योंकि सेटअप देखे मैंने बाहर बहुत बड़े बड़े हैं, तो फिनाले है तो कुछ तो बड़ा और धमाकेदार होने वाला है, लेकिन मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। तो मैम आज खतरा खतरा का फिनाले था, वैसे लॉकअप का भी फिनाले हो गया, मुनावर जी जीत गए, तो उनके लिए आपका क्या? मैं मुनावर जी को पर्सनल तो नहीं जानती लेकिन बहुत कुछ सुना है कि इस लॉकअप सीजन में उनकी जर्नी बहुत अच्छी रही है, बहुत सारी दिल की बातें उन्होंने की है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। कहते हैं ना कि जो एक कॉमेडियन होता है वो ऊपर से हंसाता है लेकिन अंदर से बहुत दुखी होता है, सो हमारा तो यही है, बिल्कुल डोंगरी का छोकरा छा गया भाई, जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना का, ये मतलब मुनावर ने एक मिसाल कायम कर दी है कि हाँ हम लोग जो हंसाते हैं हमें भी दुख होते हैं, हमें भी तकलीफ होती है, लेकिन लोगों ने उनको बहुत प्यार दिया है। मुनावर मेरे भाई ऑल द वेरी बेस्ट, मैं आपको जानती तो नहीं हूँ पर्सनली बट कभी ना कभी ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह। आपके खतरा खतरा फैंस के लिए क्या कहना चाहिए? खतरा खतरा फैंस के लिए कहेंगे कि आपने हमें बहुत प्यार दिया है इस सीज़न में, ये 3 साल बाद शो आया है लेकिन 3 साल इसकी बातें होती रही, बच्चे सब बोलते थे कि ये शो कब आएगा कब आएगा, फाइनली ये आ गया, दूसरा सीज़न भी बहुत धमाकेदार और बड़े लेवल पर आ रहा है, बस आप लोग का ऐसे ही प्यार चाहिए जैसे आपने इस सीज़न में दिया है। थैंक यू मैम, आप भी ऐसे हंसते रहिए, ऐसे खूबसूरत दिखते रहिए। थैंक यू, हंसती भी रहूँगी और खूबसूरत भी दिखती रहूँगी और बच्चे भी करते रहेंगे। अच्छा दिखा पाएगी।